सो हेलो गाइस, ये हमारा राजगीर का सेकंड ब्लॉग यहाँ, और आपको हम यहाँ आ जाए हैं सोन भंडार में। चलिए अंदर चलते हैं और आपको अंदर का दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या है। जैसा कि अभी आपने देखा, अंकल हमें बता रहे थे कि वो बहुत ही प्राचीन समय की थी, वहाँ पे बहुत सारे खजाने जो अंग्रेजों के कारण छुपा के रखे गए हैं, जो कि एक लिपि, अलग तरीके की लिपि और मन से खुलता था, जिसको अब बंद कर दिया गया, जो कि अब नहीं खुल सकता अगर खोल। यहाँ पे शंख लिपि लिखी हुई है। जानकारी दी कि यहाँ पे सोन भंडार इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले तो दो आदमी है, देखो हम दो आदमी दोस्त, मेरे साथ एक कुत्ता आ गया जो देखो वहाँ पे चढ़ चुका है, देखो कुत्ता, ओए कुत्ता इधर देख लो यार, इधर देख लो, फोटो खींच ले उसको, फोटो खींच ले, फोटो खिंचवाने गया। तो जैसे कि अंकल ने बताया कुत्ता कि यहाँ पे राजा बिंबिसार के समय का था, उनकी रानी या उनके बेटे की रानी जो थी, उन्होंने सारा खजाना यहाँ छुपा दिया था जो अंग्रेजों से बचाने के लिए, जो कि और वो किसी मंत्र लिपि से खुलता था, जो कि अब नालंदा विश्वविद्यालय को जब जलाया गया खिलजी के ये शासन के द्वारा, शासन के टाइम, तो वो लिपि उसी टाइम वो जल के भस्म हो गया।